हेलो स्टूडेंट्स, ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम मैग्नेटिज्म टॉपिक से है। एक नीडल जिसका मोमेंट अपन को दिया हुआ है और इनर्शिया भी दिया हुआ है, फिर कहता है कि वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस लगा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है 0.01। आप लोगों को बताना है कि 10 ऑसिलेशंस कितने टाइम में कंप्लीट करेगा। तो अगर एक एग्जाम्पल लेके पढ़ा जाए तो ऐसा कह सकते हो कि ये नीडल है और ये ऑसिलेशंस वगैरह और डायरेक्शन बताने काम आती है, जैसे कि इसको अपन लोग अर्थ के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं। लेकिन फिलहाल ये प्रॉब्लम जो है उसको ऐसे अजम्पशन में लो कि एक हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड अपन ने अज्यूम कर लिया, जिसमें बी का टर्म हो जाएगा 0.01। एक मैग्नेट प्लेस करते हैं अगर, और यहाँ साउथ और नॉर्थ लिखोगे तो मूवमेंट का डायरेक्शन आप लोगों को मिल जाएगा और इस पर्टिकुलर थीटा एंगल से टॉर्क लगने लगेगा। और टॉर्क को तो अपन ने पढ़ रखा है इस चैप्टर में, टॉर्किस एम बी साइन थीटा होता है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हो तो टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला मिलता है बच्चों, वो होता है 2π अंडर रूट आई डिवाइड बाय एम बी। 2π अंडर रूट आई बाय एम बी। जरा सॉल्व कर लेते हैं इसको अपन लोग, सिर्फ फॉर्मूला एप्लीकेशन है। 7 से 8 क्वेश्चन मिलेंगे आपको आउट ऑफ 30, जिसमें सिर्फ फॉर्मूला लगना है और आंसर आना है। ये हो जाएगा 6.28 और ये हो जाएगा आई का टर्म है अपने पास 7.5 इंटू 10^-6 डिवाइडेड बाय 6.7 इंटू 10^-2, और बी का भी टर्म आएगा वो हो जाएगा 0.01। ठीक है, अब अगर इसको ढंग से देखोगे तो क्या हो जाएगा, डेसिमल से डेसिमल्स कैंसिल हो जाएंगे, ये -2 है और ये भी -2 है, तो ये ऊपर निकल जाएगा। तो आंसर मिल रहा है अपन को 6.28 और रूट के अंदर बच्चों मिल रहा है 75 डिवाइड बाय 67। ठीक है, और ये टर्म आ रही है आप लोगों की 10^-2। अब यहां से 10^-2 को बाहर निकालिए तो हो जाएगा 6.28 इंटू 10^-1, और अंदर बच रहा है आप लोगों के पास 75 डिवाइड बाय 67। ठीक है बच्चों, ये टाइम पीरियड है लेकिन ये 1 ऑसिलेशन का है और पेपर में मांगा गया है 10 ऑसिलेशन कितने के होंगे, तो हो जाएगा फॉर 10 ऑसिलेशंस। हम लोग अगर 10 के लिए स्टडी करेंगे तो स्मॉल टी अज्यूम कर लो, ये हो जाएगा 10 टाइम्स ऑफ टी। 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये खत्म हो जाएगा और आपका आंसर सीधे सीधे मिल जाएगा 6.28, और रूट के अंदर इसको सॉल्व करोगे तो ये ऑलमोस्ट 1.11 आएगा, जिसको फर्दर सॉल्व करोगे तो बच्चों आसपास मिलेगा 6.62 या 6.3 ऐसा कुछ मिलेगा। तो क्या करना है अपन को, ऑप्शन चेक करने हैं और ये क्लोजेस्ट नजर आ रहा है तो हो जाएगा 6.65, ये अपना आंसर है। पूरा क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला एप्लीकेशन पे था, जो अपन लोग ऑसिलेशन पढ़ते हैं मैग्नेट का तब सीख लेते हैं अच्छे से। स्टूडेंट्स काइंडली लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।